अगर आपको मेक और सर्विसेज कॉस्मेटिक मसनूआत और जाती देखभाल का कुछ तजुर्बा है, सिलोन एक अच्छा कारोबारी आइडिया है। मेकअप और मेकअप से मुतालिक अशिया पर रोक करना और सिलोन चलाने के साथ साथ पैसे कमाने का बेहतरीन तरीका है और अगले 5 सालों में इसका पाकिस्तान इंडिया में इसके सर्विस के मांग में और भी इजाफे का इम्कान है। दिन ब दिन इसकी डिमांड में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान के हर शहर में और कस्बे में रेफ्रिजरेटर, वॉशर, ड्रायर, चोलो, डिश वॉशर वगैरह समेत तमाम आलात की मरम्मत की खिदमत इसकी बहुत ज्यादा मांग है। आप आलात की मरम्मत की तरबियत हासिल करें और उसके बाद एक साइड बिजनेस को आप शुरू करें। यकीन करें, अब कुंबा जो है वो खुश रहेगा और आपके पास पैसों की कमी नहीं रहेगी। जिधर भी हो, जहाँ कहीं भी हो, तो आप खाली जेब से ही आप पैसे कमा सकते हैं। ऐसा जबरदस्त स्किल और डिमांड वाला बिजनेस। ऑटो सर्विस रिपेयर का सेंटर, ऐसा कारोबार जो गाड़ियों की देखभाल, मुरम्मत और मुआयना की सर्विस फराम करता है। ऑटो सर्विस की मुरम्मत का मरकज शुरू करने के लिए मनसूबा बंदी, मार्केट रिसर्च और ठोस कारोबारी मनसूबा दरकार होता है। सर्च करें मार्केट की मांग क्या है, उधर मुकाबला क्या चल रहा है, मुमकिन जो है कस्टमर के अहदाब क्या है, फिर जो है आप बराबर जो है इसके लिए मनसूबा बंदी करें। जो आपकी सर्विस दे रहे हैं उसके बारे में जो है वो वाजह एक प्लान बनाए, टारगेट मार्केट के बारे में जो खाका वाजह करें, मार्केटिंग की हिकमती अमली, मालियाती तखमीना, जो पैसे उस पे लग रहा है वो सब कुछ आप उसका हिसाब किताब जो है कर ले। अपने कारोबार को अगर रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्टर भी कर ले और ऐसी जगह तलाश करे जहाँ रसाई हो, गाड़ियों की रसाई हो, जहाँ पार्किंग जो है वो आसान हो, फिर जो है आप उसकी जो सामान है और उसकी जो सप्लाईज है वो खरीदे, मयारी आलात खरीदे सप्लाईज के लिए, जैसे लिफ्ट टूल्स हो गए और डायग्नोसिस के जो आलात है उस पर सरमाया कार्य करे ताकि आला खिदमत जो है आप फराहम कर सके। केटरिंग सर्विस कंपनी मुख्तलिफ तकरीबात जैसे शादियां, कॉर्पोरेट तकरीबात, पार्टियां और दीगर खास मौके के लिए खाना, मशरूबात और मुतालिका खिदमत फराहम करना, उसके जो सर्विसेज में खाना तैयार करना होता है, खाना पकाना होता है, उसको पेश करना होता है, मेज की तरतीब देनी होती है, सजावट और इवेंट के लिए दरकार दीगर सामान का बंदोबस्त करना सब शामिल होता है। इसके लिए जो है मार्केट रिसर्च करें, कारोबारी मनसूबा जो है वो बनाएं और करें, लाइसेंस बनाएं अगर जरूरत हो तो, मेनू तैयार करें, सामान खाना तैयार करना, उसकी पेशकश करना, उसके किराए जैसे मुख्तलिफ खाना पकाना, उसके सामान, उसके सर्विसिंग, उसके डिशेज, उसके बर्तन, कपड़े, इसके लिए स्टाफ, यानी इस बात को यकीन बनाए कि इवेंट्स को आसानी और मौसर तरीके से अंजाम दिया जाए। पेशावरान और तजुर्बाकार अमले को अरकान, शेफ्स हो गए, सर्वर्स हो गए, इवेंट कोऑर्डिनेटर्स हो गए, इसका एक टीम जो है उसका खिदमत आपने हासिल करना होगा, उनको तरबियत देना होगा, यानी अपने केटरिंग सर्विस कंपनी को फरोग देने के लिए जो है एक मार्केटिंग और इश्तिहारी मनसूबा तैयार करें, वेबसाइट उसके लिए बनाए, सोशल मीडिया की। आप एक टीम रख के सफाई का कारोबार शुरू कर सकते हैं, इसमें आप अपने लिए भी कमाएंगे, आपको भी पैसे मिलेंगे, दूसरों को भी जो है आपकी वजह से पैसे मिलेंगे। आगाज के अखराजात इस कारोबार के बहुत कम है, मामूली पैमाने पर जो शुरू किए जाने वाले काम है इसमें हो, जो मकबूल काम है उसमें दफ्तरों की सफाई है, खिड़कियों की सफाइया है, हवा की जो नालियां है उसकी सफाइया है, गली कूचू की सफाइया है। बाकी एडवांस ममालिक में ये मॉडल बहुत कामयाब है, बल्कि हर जगह ही जो है ये एक जबरदस्त मॉडल है। तो ये काम शुरू करके आप अपने लिए और दूसरों के लिए एक अच्छा जो है कमाई का एक जरिया बना सकते हैं। पाकिस्तान में कोरिया का कारोबार चलाना एक मुनाफा बख्श काम है, खासतौर पर अगर आप शहर में हो, ऐसे जगह पर हो जहां दफातर और तजारती इमारतें ज्यादा है। तो डिलीवरी सर्विसेज आप शुरू करने के लिए आपके पास ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए और आपके पास जो है एक जबरदस्त ईंधन वाली बचत करने वाली कार होनी चाहिए और मुनासिब औजार और सामान आपके पास होंगे तो ये काम आप शुरू कर सकते हैं। पाकिस्तान में डिलीवरी ड्राइवर औसतन जो है फिर $20 या $21 जो है वो घंटे में कम से कम कमा सकता है। पाकिस्तान की तमाम शहरों और तमाम देहातों में ज्यादा एक और कारोबार है जिसकी मांग है और वो है हाउस पेंटिंग। तो अगर आपका तजुर्बा है, अपने साथ कुछ पेशावर अफराद वो भी आप भर्ती कर सकते हैं और इस कारोबार को आप शुरू कर सकते हैं। ये आपके लिए और दूसरों के लिए कमाई का बेहतरीन जरिया बन सकता है। रेन ने पेशनगोई की है कि सेकंड हैंड कपड़ों की मार्केट आलमी सतह पर 127% तक फैल जाएगी, 2026 तक $82 बिलियन तक पहुंच जाएगी। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ऐसे प्लेटफॉर्म पे वेंटेज कपड़ों के लिए एक ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हैं। ज्यादा सामीन के लिए अपना ऑनलाइन स्टोर्स को जो है आप ईबे और एट्स वगैरह पे, जैसे प्लेटफॉर्म पे आप जो है दराज वगैरह पर उसके उनके साथ आप जोड़ भी सकते हैं। विंटेज कपड़ों की परोस से जो मुनाफा आप कमाते हैं वो 4% से लेके 20% तक है और जो गारमेंट का एक रिसेल राम होता है
तो वो कम से कम जो है $300 तक मंथली कमा लेता है। CCTV की तंसीब की सनत दुनिया के तकरीबन हर खत्ते में फैल रही है। ये कारोबार आप शुरू करके और इन आलात को इंस्टॉल करके और उनके देखभाल की तकनीक के पहलू से वाकिफ होके आप बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त कारोबार है, एक नया कारोबार है, ट्रेंड वाला कारोबार है और डिमांड वाला कारोबार है। मुल्क में इस वक्त वेडिंग प्लानर्स की खुसूसी मांग है। अगर आप तकरीबात और इज्तिमात के निकात से लुत्फानंदोज होते हैं तो शादी की मनसूबा बंदी कारोबार मुनाफा बख्श हो सकता है। इसके लिए जो वेडिंग प्लानर्स है उनके तरीक़ाकार को आप स्टडी करें, उनको देखें, उनका जायजा लें किस तरह जो है वो ये सारा काम कर रहे हैं।